in past and effect tense we always use verb to. Day to day is used in all types of past indefinite tense. First, affirmative sentence. In affirmative sentence, the structure is subject, then he too, and then object. Then other words will come. For example, subject is I, Brito wrote. I wrote a poem. Maine ek kavita likha. Negative sentence, we use did, Brito or do and does. In present indefinite, we use be one and be five. But in past indefinite, we always use Brito. Subject, Brito, and then in negative not. And after that we use be one and then object. Subject लेंगे कितने ना be one object. मैंने ये कविता नहीं लिखा. I did not write the poem. Interrogative sentence में क्या करेंगे? Did को सब पहले ले आएंगे. उसके बाद subject आएंगे. फिर be one. That one. क्योंकि ये did है be two. इसलिए मेन वर्ब बी वन में होता है. सब्जेक्ट बी वन एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, डिड आई राइट अ पोएम, क्या मैंने एक कविता लिखा. देन डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन व्हाट व्हेन वेयर हाउ दिस कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहले डब्ल्यू एच को लेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन में है डिड, सब्जेक्ट, बी वन, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड आई राइट अ पोएम, मैंने कविता कब लिखा. अब देखेंगे नेगेटिव क्वेश्चन. जब क्वेश्चन नेगेटिव हो तो या तो नेगेटिव हम डिड के साथ डिडंट यूज करेंगे या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, Why did I not write the poem? मैंने poem क्यों नहीं लिखा? या फिर हम कह सकते हैं Why didn't I write the poem? एक ही बात है. तो not को हम यहाँ combine कर देते हैं did के साथ didn't, या फिर subject के बाद not लेते हैं. Very simple structure is subject be to object. Subject did not be but then object. और क्वेश्चन बनाने में डिड पहले लेंगे, फिर जैसा आता है सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट. और डब्ल्यू एच हो तो डिड से पहले डब्ल्यू एच ले लेंगे और फिर जैसे क्वेश्चन बनाएंगे डिड सब्जेक्ट बी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. डब्ल्यू एच हो नॉट हो डिडंट या फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लेंगे. दैट्स ऑल. आगे बात हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. थैंक यू. एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि उसने मेरी सहायता क्यों नहीं किया. इसे आप लिखकर या बोलकर हमें कमेंट करें और सही उत्तर दें. थैंक्स.